हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू चालू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक्स देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, जिसमें कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह, कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, उनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई थी। आज उसी से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर आगे प्रोसीड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अगला टॉपिक, जिसके ऊपर पहले पिछले टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो को देखकर फिर इस टॉपिक पर आए तो आसानी से समझ में आएगा। सो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू का फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सो इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। मैं इसे रैंडमली कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी एंड सी। अगर यहाँ जो हमें गिवन है उसके हिसाब से देखा जाए तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हमें गिवन है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि साइन ए, कोस ए, टैन ए, इन सभी के फॉर्मूले क्या होते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक थी ये पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सो इसके अंदर फर्स्ट रेशो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था किसको शो करता है, साइन थीटा को शो करता है, और हमें यहाँ गिवन है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखें अगर, तो साइन ए एंगल कौन सा बन रहा है, ए। सो हम एंगल को डिनोट करेंगे यहाँ। सो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी हमारी बेस, और थर्ड साइड जो अपनी है हाइपोटेनस। अगर यहाँ इसके हिसाब से मैं देखूँ शॉर्ट ट्रिक में, साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर यहाँ देखा जाए तो बी सी बाय हाइपोटेनस अपनी कितनी बन रही है, यहाँ पे ए बी बन रही है। सो स्टूडेंट्स इसको प्रोसीड करता हूँ मैं। सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी, बी सी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हमें दे रखा है 3। सो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 3k, और यहाँ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोटेनस अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है हमारा। सो अगर मैं इस ए सी की बात करता हूँ, इस ए सी की, तो इस ए सी को हम कंसिडर करेंगे 4k के इक्वल कंसिडर करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें ये कंसिडर क्यों करना पड़ा, बी सी इज इक्वल टू 3k, ए सी इज इक्वल टू 4k, इस टर्म में कंसिडर क्यों करना पड़ा। अगर मैं डायरेक्टली अगर सपोज दैट बी सी डिवाइडेड बाई ए सी करता तो 3/4 एज इट इज आता, k से k कट जाता, तो फिर हमें k के टर्म्स में कंसिडर क्यों करना पड़ा। हमें कंसिडर करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि सपोज दैट, जैसे मान लो मैं बी सी डिवाइडेड बाई ए सी करता हूँ अगर, और बी सी डिवाइडेड बाई ए सी किया मैंने, तो यहाँ से आता है मेरा 3k/4k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, फिर से 3/4 ही आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 3/4 जो रेशो आया है वो किससे आया। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 12/16, तो ये कितना आता है मेरा, 3/4 आता है। और या फिर सपोज दैट एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, जैसे 15/20, तो ये कितना आ जाता है, 5 3 15 और 5 4 20। सो ये 3/4 रेशो किससे बन रहा है ये हमें नहीं पता, दैट्स वाई हम इसको किसके इक्वल लेके चलते हैं, किस क्या कंसिडर करके चलते हैं, बी सी को 3k के इक्वल और ए सी को 4k के इक्वल कंसिडर करके चलते हैं। नाउ अब हमें ये पता है कि जब हमने बी सी को कंसिडर किया यहाँ पे 3k, और इसी तरीके से ए सी को यहाँ पे कंसिडर किया 4k, सो हमें हमारे पास कौन सी साइड नहीं है यहाँ पे, ए बी। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी हमारे पास साइड नहीं है। सो इसको निकालने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है,
सो बी सी स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है यहाँ पे ए बी स्क्वायर। अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए सी की वैल्यू कितनी है 4k, सो ये हो जाएगा अपना 4k स्क्वायर। अगर मैं यहाँ बी सी की बात करूँ, बी सी अपना को कितना गिवन है 3k, सो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ रहने दो, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की, दैट्स वाई ए बी स्क्वायर इस 9k स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 16 माइनस 9, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, दैट्स वाई पूरे के ऊपर इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 7, और जब इसके ऊपर आएगा तो रूट स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 7k। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया रूट 7k। यहाँ पर k की अगर बात की जाए तो अपन k कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करके चल रहे हैं। सो ए बी मुझे मिल चुका है, अब मेरा काम आसान हो चुका है। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे मुझे बोला गया था cos a की वैल्यू चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ cos a की, cos a हमारे को फिर से सीधा सीधा टेक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हिंदू हर हर बोले। सो इसके अंदर सेकंड रेशो मैंने आपको बताया था किसको शो करता है, cos थीटा को शो करता है। सो cos थीटा अगर यहाँ बात की जाए तो बेस बाय कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो बेस अगर बेस की बात की जाए सो इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी, सो रूट 7k, तो ये आ जाएगा रूट 7k डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे बात की जाए बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे अपने पास कितनी है 4k, तो ये कितना आ जाएगा अपना 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा अपना रूट 7/4। सो एक आंसर अपना आ चुका है, cos a का आंसर आ चुका है। नाउ हमें फाउंड आउट करना है tan a की वैल्यू, सो tan a, स्टूडेंट्स फिर से ध्यान दें, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर चलें, यहाँ पे, यहाँ पे थर्ड रेशो जो था वो किसको शो करता था अपने, tan थीटा को शो करता था। सो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर अगर देखें जस्ट एंगल के सामने 3k, सो मैं यहाँ लिखूंगा 3k डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस ये एडजेसेंट साइड रूट 7k, सो ये रूट 7k, के से के कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर विल बी 3/√7। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमें गिवन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है। सो हमें वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है, एक तो साइन ए की वैल्यू पूछी है और दूसरा सेक ए की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे। सो इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले अपना काम यहाँ से 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको 15 को इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दें। सो यहाँ से cot A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 8/15 हो जाएगा, हमने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वैल्यूज गिवन है, cot A इज इक्वल टू 8/15 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले लिया इसमें 90 डिग्री। अगर cot A की बात करूँ मैं फिर से, cot A इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला पता करना पड़ेगा हमें, तो फिर से इसकी ट्रिक हमें पता ही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सो इसके अंदर ये फर्स्ट रेशो बताता है साइन, सेकंड cos, थर्ड tan, और फिर से जब इधर से उल्टा स्टार्ट किया जाता है तो आता है cot। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा अपना cot थीटा के इक्वल। सो यहाँ पे देखा जाए बेस, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो ये वाली है, सो बेस हो जाएगा अपना कितना यहाँ पे, इसके हिसाब से देखा जाए तो 8 हो जाएगा, और बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस जस्ट एंगल के अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15। हमें अभी यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एसी की फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स बात कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए बी की, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा लेट ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी, बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 15k हो जाएगा। सो मुझे ए सी निकालनी है, ए सी फाइंड आउट करनी है, सो ए सी के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपन, PGT यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इससे मैं बोलूँगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस बी एस मीन्स ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 15k,
ये हो जाएगा 15k² प्लस ए बी की वैल्यू है 8k, ये हो जाएगी 8k² 15k², ये हो जाएगा 225k² प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64k². सो यहाँ पे अगर देखा जाए 25k² प्लस 64k², इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है टोटल 289k² आ जाएगा। मुझे यहाँ से एसी की वैल्यू चाहिए, सो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसी विल बी रूट ऑफ 289k². सो फाइनल एसी रूट 289 कितना होता है, किसका रूट स्क्वायर होता है, ये 17 का, और के स्क्वायर का इधर हो जाएगा के। सो हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास 17 आ गई। सो फाइनली हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखते हैं हम साइन ए अगर मैं यहाँ से फिर से शॉर्ट ट्रिक से पता करूँ, फर्स्ट रेशो हमें किसको बताता है, साइन थीटा को, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए यहाँ पे, परपेंडिकुलर मीन्स 15, सो ये 15k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है 17k, सो फाइनल आंसर विल बी 15/17। इसी तरीके से हमें सेकेंड पूछा हुआ है इसके अंदर सेक ए, सो सेक ए अगर यहाँ से देखा जाए शॉर्ट ट्रिक से स्टूडेंट्स, साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा, फिर यहाँ टेन थीटा, फिर यहाँ से उल्टा स्टार्ट करते हैं तो कोट थीटा और सेकंड रेशो, ये वाला रेशो हाइपोटेनस बाय बेस, ये बताता है हमारा इसको सेक थीटा को। सो सेक थीटा विल बी हाइपोटेनस बाय बेस, सो हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूँ तो 17, तो 17k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बाय बेस, बेस कितना है अपने पास 8k, सो ये 8k के से कैंसिल आउट 17/8, ये इन दोनों के फाइनल आंसर। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और भी देखें स्टूडेंट्स। नाउ हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये पूरी टेबल को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, मैं अभी आपको बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझाऊंगा और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सो इसको कैसे बनाया जाता है, क्या है क्या नहीं है, आप शुरू से देखिए ढंग से इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, आप इनको इन्हीं सीक्वेंस में याद रखें। एंड ये जो वैल्यू चलेगी अपनी, ये चलेगी अपनी 0° से लेकर 90° तक। हम ये जो टेबल देख रहे हैं वो 0 से 90° तक देखते हैं, अगली बड़ी क्लासेस में आएंगे तब ये 90 से आगे फर्दर और 180° तक भी जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा काम जो है 90° तक का है। सो 0 से लेकर 30°। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 0 से स्टार्ट करना है और 90 तक। सो 0° ये वैल्यू हम किस किस के लिए देखेंगे, 0°, 30°, 45°, 60° एंड 90° के लिए। सो ये सारी जो वैल्यू लिखी हुई ऊपर, ये हमारे को दी हुई है डिग्री के अंदर। अगर यही वैल्यू मैं देखना चाहूँ तो इसको रेडियन में लिखा हुआ है 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ये दी हुई है हमें किस में, रेडियन में गिवन है। सो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स देखा जाए पाई की वैल्यू रेडियन में यहाँ पर कितनी है, 180°। सो 180° डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर 6 करता हूँ तो 30 आता है, इसी तरीके से 180 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो 45 आता है। सो ये वैल्यू अपनी रेडियन में और ये वाली किस में है, अपनी डिग्री के अंदर है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मुझे ये पूरी वैल्यूज़ पता करनी है तो कैसे पता करनी है, इसके लिए आप ध्यान से इस टेबल को देखना। सबसे पहले मैं साइन ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे पता करना चाहूँ, साइन ज़ीरो की वैल्यू, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0, और यहाँ से साइन 0 से लेकर 90, 0 से लेकर साइन 90 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 आती है, और बाकी की सारी वैल्यू इसके बीच में रखनी है। सो स्टूडेंट्स मैं ये वैल्यू भी अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आपको ये आसानी से याद रह जाएगी। आप क्या करें, सबसे पहले 0 से लेकर 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और 4 तक, ये 0 से लेकर 4 तक ऑर्डर में इस डिजिट को लिख देंगे आप, फिर इन सभी डिजिट को 4 से डिवाइड कर दें, जैसे ये 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सभी को डिवाइड कर देना है, जैसे 0/4 कितना आ जाता है अपना 0 आ जाता है, यहाँ 1/4, या तो एक काम करें सबसे पहले इसका रूट ले लें, जैसे ये रूट ले लिया सभी का, ये रूट ले लिया मैंने, ये रूट ले लिया। अब 0/4 0 का रूट कितना आता है 0 आता है,
अब यहाँ पर बात की जाए, जैसे रूट वन बाय फोर, रूट वन का रूट कितना होता है, वन ही होता है, रूट फोर, रूट फोर होता है अपना टू, सो ये आ जाएगा वन बाय टू। यहाँ देखा जाए अगर रूट टू, रूट टू को अपने को रूट टू ही रहने देना है, ठीक है। इससे पहले आप एक काम करें, इसको यहाँ से कट कर दें, जैसे टू से फोर कट जाएगा टू, सो रूट वन तो हो जाएगा वन, और यहाँ रूट टू को रूट टू ही रहने देना है हमें। फिर यहाँ देखा जाए अगर रूट थ्री को रूट थ्री ही रहने दें, और रूट फोर, रूट फोर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा अपने पास। और लास्ट फोर से यहाँ फोर कैंसिल कर दिया तो वन बाय वन बच जाएगा, वन बाय वन वन ही होता है, रूट वन वन ही होता है। सो ये पांच वैल्यू मिल गई अपने को, जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन। सो ये जीरो, ये सेकेंड वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वन बाय टू, ये थर्ड वैल्यू वन बाय रूट टू, ये थर्ड वैल्यू रूट थ्री बाय टू, और ये लास्ट वैल्यू आपकी वन। अगर ये फर्स्ट, अगर आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई, तो आगे की सारी वैल्यू स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आ जाएगी, उसके लिए कोई आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत आसान है। सो देखते हैं अगली वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जो ये फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है हमारी, इसके लिए हमें, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से ये वैल्यू जो आ रही है इसको यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करें। जैसे यहाँ वन आ रहा था तो यहाँ वन लिखना स्टार्ट कर दें, ये वन लिखा, फिर यहाँ से रूट थ्री बाय टू आ रहा है तो ये रूट थ्री बाय टू लिखा मैंने, फिर इसके बाद वन बाय रूट टू, ये वन बाय रूट टू, फिर यहाँ से इधर कितना आ रहा है वन बाय टू, तो ये वन बाय टू, और ये कितना आ रहा है जीरो, तो ये आ गया मेरा जीरो। देन नेक्स्ट हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला देखा था जब मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, उसके अंदर एक टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपना साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये होता है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये सारी की सारी साइन थीटा की वैल्यू और ये सारी की सारी कोस थीटा की वैल्यू, तो हम इनको आपस में डिवाइड कर दें, तो जैसे ही जीरो डिवाइडेड बाय वन करता हूँ तो जीरो डिवाइडेड बाय वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। किसी भी डिजिट जीरो के अंदर किसी भी डिजिट से डिवाइड करते तो जीरो आता है हमेशा। अगर यहाँ वन बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू करो तो टू से टू कैंसिल, यहाँ बच जाएगा कितना, रूट वन बाय रूट थ्री बच जाएगा। एंड देन नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ, वन बाय रूट टू डिवाइड बाय वन बाय रूट टू पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ बच जाएगा वन। अगर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू करूँ, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा केवल रूट थ्री। और वन डिवाइडेड बाय जीरो, अगर जीरो से किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, सो हम इसको लिख देंगे इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वैल्यू बड़ा आसान काम है, अब हम कुछ नहीं करना है, जैसे हमने कोस के लिए वैल्यू को उल्टा करके लिखा था, जस्ट कोट के लिए इसकी वैल्यू को यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करें। सो फर्स्ट यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अपना इन्फिनिटी, ये रूट थ्री, सो ये रूट थ्री, देन वन, ये वन, वन बाय रूट थ्री, ये वन बाय रूट थ्री, एंड जीरो, सो ये जीरो हो गया। नाउ हमें अगली वैल्यू चाहिए sec थीटा की। सो स्टूडेंट्स sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, वहाँ पे फॉर्मूला बताया था sec थीटा इज इक्वल टू होता है वन बाय कोस थीटा होता है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए sec थीटा हमें निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो जो वैल्यू दे रखी है जस्ट उसको इन्वर्स कर दे आप। जैसे sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू निकालिए फर्स्ट, यहाँ वन, तो वन डिवाइड बाय वन वन ही आएगा यहाँ पे अपना। और यहाँ पे अगर देखा जाए वन बाय टू था तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दें, टू बाय वन, टू बाय वन कितना हो जाएगा अपना, सॉरी रूट थ्री बाय टू था तो ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, सो ये टू बाय रूट थ्री। देन यहाँ पे वन बाय टू आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा रूट टू बाय वन, सो ये रूट टू बाय वन। यहाँ आ रहा है वन बाय टू तो ये हो जाएगा टू बाय वन मीन्स टू हो जाएगा। और यहाँ आ रहा है इन्फिनिट जीरो, जीरो का उल्टा कितना हो जाएगा अपना इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें फिर से क्या करना है, इस वैल्यू को उल्टा स्टार्ट कर देना है। सो फर्स्ट यहाँ इन्फिनिटी आ रहा था, फिर टू आ रहा है, ये टू लिख दिया मैंने, फिर रूट टू आ रहा है, ये रूट टू, फिर ये टू बाय रूट थ्री, ये टू बाय रूट थ्री हो गया, एंड द लास्ट वैल्यू इज़ वन, सो ये हो गई वैल्यू वन। सो इस तरीके से हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पूरी कंप्लीट होती है इस ट्रिक से। सो स्टूडेंट्स इस टेबल के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू पता करनी है। सो अब हमारा काम आसान हो गया, हमें सारी की सारी वैल्यू यहाँ से इस टेबल से उठाकर यहाँ पर रखनी है और इसका सॉल्यूशन करना है। सो सबसे पहले साइन 60 की बात करूँ मैं, तो साइन 60 ये रहा 60, तो साइन के अंदर ये 60 की इसकी वैल्यू आ रही है रूट थ्री बाय टू, तो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे हम रूट थ्री बाय टू मल्टीप्लाई कोस 30। अगर मैं कोस के अंदर यहाँ पे कोस 30 पे देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है रूट थ्री बाय टू, सो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा रूट थ्री बाय टू प्लस साइन 30।
अगर यहाँ साइन के अंदर 30 पे देखे जाए वैल्यू तो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 1/2 वैल्यू आ रही है, सो ये 1/2 एंड कोस 60, ये कोस के अंदर 60 ये आ रहा है 1/2, सो ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 2 × 4 प्लस 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 4 एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 कैंसिल, 3 प्लस 4 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4/4 मीन्स फाइनल आंसर विल बी 1। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 45 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस सेक 30 डिग्री। सो सबसे पहले अपना काम वही, वैल्यू रखो यहाँ से कोस 45, ये कोस कोस के अंदर 45 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/√2, सो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक 30, सेक के लिए मुझे सीधा यहाँ जाना है, सेक के अंदर 30 पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 2/√3, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30, ये कोसेक कोसेक के अंदर 30 पे यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सो ये हो जाएगा अपना 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ मैं इसको। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो 1/√2 ये तो ऐसे भी रह गया मेरा, और एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 3 अपना एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, सो 3 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√3। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, जमा के इन द सेंस 2 × √3 ऊपर चला जाएगा मेरा, ये 3 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे बच रही है वैल्यू 2√3, ये एज इट इज लिख देंगे। नाउ इसके बाद अपनी अगली स्टेप क्या हो जाएगी, मैं थोड़ा सा इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, सो ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये हो गया 2√2, ऊपर √3 अपना बच ही रहा और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा मेरा 1 और यहाँ बच जाएगा √3, तो मैं इसको लिख देता हूँ, √3 को आगे ले लेता हूँ प्लस 1 को पीछे ले लेता हूँ, सो ये आ गया अपना 1/√2 √3/√3 + 1। नाउ नेक्स्ट रीडिंग, अब अपने को यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे हमारे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 + 1, सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा और रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आसानी से इसकी वैल्यू हमें मिल जाए। सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये √3 + 1, हमें क्या करना है इसका जस्ट यहाँ साइन चेंज कर देंगे, √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा अगली स्टेप में, सो 1/√2 ये एज इट इज़, ये ऊपर ना √3 एज इट इज़ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा एक इस वैल्यू को भी मैं लिख देता हूँ √3 + 1, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है √3 - 1 से, रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर और √3 - 1 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। अगर अब यहाँ पे ध्यान से इसको देखा जाए तो √3 × √3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 × √3 ये कितना आ जाएगा √3 × √3 हो जाएगा और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा मेरा √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय इस 2√2 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये 2√2 मेरा एज इट इज़। यहाँ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स √3 + 1 मल्टीप्लाई विथ √3 - 1 तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, a + b a - b की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। आइडेंटिटी क्या कहती है हमें, a + b a - b = a² - b², सो a की जगह हमारे पास कितना है √3 है, √3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 3 - b² b की जगह कितना है 1 है तो -b 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी 3 - √3 डिवाइडेड बाय ये 2√2 एज इट इज़ मेरा और 3 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ 3 - √3 एज इट इज़ 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4 हो जाएगा, सो 4√2 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे अभी भी मेरे पास डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, सो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, सो ये 3 - √3 डिवाइडेड बाय 4√2 मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ √2 से ताकि हमारे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू हट जाए। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ तो ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, ये 3√2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3√2 और इसी तरीके से √2 मल्टीप्लाई विथ
रूट थ्री, सो ये माइनस आ गया और रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा रूट सिक्स हो गया। और यहाँ अगर देखा जाए फोर तो एज इट इज, और रूट टू इंटू रूट टू ये कितना हो जाएगा मेरा टू हो जाएगा। सो ये थ्री माइनस सॉरी थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स डिवाइड बाय फोर टू जा एट, सो ये आ जाएगा अपना इसका फाइनल आंसर, थ्री रूट टी माइनस थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय एट। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हमारे को दिया हुआ है इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, ये हमें गिवन है। यहाँ पे अपनी जो a प्लस बी की वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है वो जीरो से लेकर 90 के बीच में, जीरो इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन दे रखा है अपने को b। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखें कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री, हमें क्या करना है इस टेन ए प्लस बी को एज इट इज रहने देना है, रूट थ्री टेन के अंदर रूट थ्री कितने पे आता है सबसे पहले हमें ये चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस टेबल के अंदर तो टेन के अंदर रूट थ्री ये आता है मेरा 60 डिग्री पे, यहाँ पे कितने वैल्यू पे आ रहा है ये 60 डिग्री पे आ रहा है। सो मैं इस रूट थ्री की जगह अगर टेन 60 डिग्री लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से बाय कंपेरिजन मुझे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये ए प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इसके इक्वल 60 डिग्री के इक्वल मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर वन। अब सेकंड जो चीज़ मुझे दी हुई है यहाँ पर वो दी हुई है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, फिर से हमें ये देखना है कि टेन के अंदर वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री वैल्यू किस पे आ रही है। तो ये अपना टेन वाला कॉलम, इसके अंदर टेन वाली रो के अंदर देखें आप वन बाय रूट थ्री, ये यहाँ पे आ रहा है वन बाय रूट थ्री, और ये कितने पे आ रहा है अपना 30 डिग्री पे आ रहा है। सो मैं टेन ए माइनस बी को एज इट इज रहने देता हूँ वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री इसकी जगह यहाँ से वन बाय रूट थ्री टेन 30 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा टेन 30 डिग्री। सो यहाँ से फिर से बाय कंपेरिजन ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें आसानी से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। सो बाय इक्वेशन वन एंड टू यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा था अपने पास, ये 60 डिग्री, और यहीं पर यही वैल्यू जो आ रही है अपनी ए माइनस बी सेकेंड इक्वेशन में 30, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, बी प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, और 60 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा सॉरी 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ से मुझे a की वैल्यू चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 2 को इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है 45 डिग्री। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो ये a की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो a की जगह यहाँ पे कितना रख दूंगा मैं 45 प्लस b, यहाँ b रख दिया मैंने, और 60 इज इक्वल टू 60 ये 60। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से b तो यहीं रहने दो और 45 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 60 माइनस 45 सो ये कितना आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 माइनस 45 15 डिग्री। सो ये आंसर दोनों ही अपने को आंसर मिल चुके हैं। यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है वो a इज ग्रेटर देन b बताया था मैंने, तो यहाँ पर देखें आप जरा a 45 आ रहा है और b 15 आ रहा है, तो ग्रेटर देन b आ रहा है और उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, और ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम अब आगे इसके जितने भी क्वेश्चन से आप सॉल्व करें, और कुछ अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे आइडेंटिटी के ऊपर, टॉपिक थ्री के अंदर देखेंगे, थर्ड वीडियो के अंदर देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो भी देखेंगे। और अभी ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स।